आपको सिखाऊंगा कि अपनी याददाश्त को कैसे परख सकते हैं। हम 20 टुकड़ों का एक सेट बनाएंगे, कुछ इस तरह का। इन टुकड़ों का एक भाग है खाली और दूसरी ओर बना है एक ड्राइंग, जैसे कि ये पिगी। ऐसा ही ड्राइंग के हमेशा दो टुकड़े होंगे, तो अब हमें इसका दूसरा टुकड़ा ढूंढना होगा। तो अब मान लो मैंने उठाया ये, अरे ये तो रोबोट है भाई, ये तो गलत टुकड़ा है, लेकिन मैं याद रखूंगा कि रोबोट इधर ही है ताकि अगली बार मदद हो मेरी। अब दूसरा ये है क्या, ये तो काव है, ये भी नहीं है, मुझे ढूंढना होगा पिगी। ये अरे मिल गया, देखा मुझे दोनों पिगी मिल गए और मुझे मिला एक पॉइंट। तो क्या आप खेलना चाहोगे? तो अब ध्यान दीजिए, इस तरह के 10 प्लास्टिक कप ले लीजिए और इनकी मदद से सफेद कार्डबोर्ड पर सर्कल बनाइए। ये आपको 10 बार कॉपी करना पड़ेगा। हर गोलाकार के बीच में एक ड्राइंग बनाइए। यहां मैं एक व्हेल बना रहा हूं। इस गोलाकार की वजह से आप अपनी ड्राइंग का साइज समझ पाएंगे और ये ना तो बनेगा बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा, आप जो चाहे चित्र बना सकते हैं। अब इन्हें काट लें। अब काटे हुए ड्राइंग को एक पतले फोम पे कॉपी कीजिए और फिर इसे काट लें। अब प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर बिल्कुल सेंटर में हम इस ड्राइंग को ग्लू से चिपका देंगे, ऐसे। क्या बात है, यहां आपके पास वेल की टुकड़े का मोल्ड यानी सांचा है। अब आपको ऐसे ही 9 और मोल्ड बनाने हैं जिन पर 9 अलग अलग डिजाइन बने हो। अब एक जरूरी बात ये याद रखिए कि हर एक मोल्ड पर मार्कर पेन से ऐसी एक लाइन बना लें। ये लाइन बताएगी कि आपको प्लास्टर कहां तक डालना है और ये लाइन हर एक कप में एक ही ऊंचाई पर हो। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें प्लास्टर के पाउडर को डालें, इसे बारिश की तरह डालें, बिल्कुल ऐसे। जब प्लास्टर का छोटा सा पहाड़ बन जाए तो आप समझ जाएंगे कि प्लास्टर और पानी नहीं सोख सकता। अब इसको सारा मिला दें जब तक ये सख्त हो जाए। अब एक मोल्ड को लें और उसके अंदर के हिस्से पर पेंट ब्रश की मदद से थोड़ा तेल लगाएं। ये इसलिए करना है ताकि प्लास्टर आसानी से निकल जाए। याद रखें कि आपको ऐसे सेम टू सेम दो बनानी है। मोल्ड में प्लास्टर के मिश्रण को डाल दें। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि ये प्लास्टर जल्दी सूख जाता है और सख्त हो जाता है। और ध्यान दें कि आपको इसे बस वहां तक भरना है जहां तक आपने निशान बनाया था। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। जैसे जैसे प्लास्टर सख्त हो रहा होता है वैसे वैसे थोड़ा गर्म हो जाता है। अब आप कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इसे कब से कब निकालना है? तो आसान है, जैसे ही इसका तापमान थोड़ा ठंडा हो जाए, बिल्कुल केक की तरह। तो ये देखिए, टाटाना, आपके सेट का पहला टुकड़ा तैयार है। संभाल के वरना ये टूट जाएगा। चलो अब इसे रंग लगाते हैं। इसमें रंग भरने से पहले काले पेंसिल से आउटलाइन जरूर बना लें। ये आउटलाइन पेंटिंग करते वक्त काम आएगा। वेल को हल्का नीला रंग करूंगा और इसके चारों ओर नारंगी रंग। अब बाकी टुकड़ों को नीले रंग का ही रखूंगा क्योंकि सब एक जैसे दिखने चाहिए। अब देखिए, जब टुकड़ों के अंदर का रंग सूख जाएगा तब काले मार्कर से इसके अंदर आउटलाइन बना लें। इससे सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। अब आपके पास सारे टुकड़े तैयार हैं। इसे तो देखिए, ये है एक भूत। और इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरे पास है एक डॉगी भी और मैंने बनाया है एक एरोप्लेन। काफी सफाई से बनाया मैंने इसको और मैंने बनाया है 8 अटैक का निशान। इसी तरह आप अपने नाम का निशान भी बना सकते हैं। तो अब आप शुरू हो जाइए, अपने मन पसंद ड्रॉइंग्स बनाइए और अपनी याददाश्त को परखिए।